doch vor allem jeden Diemen. Assalamu alaikum guys, I am your friend Heather Alisha and you are watching Cryptonic Dreams. दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे RSI इंडिकेटर के बारे में, ठीक है। RSI को कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। एक खास टाइम फ्रेम पे मतलब 1 आवर टाइम फ्रेम पे, 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे, 1 डे टाइम फ्रेम पे, 1 वीक टाइम फ्रेम पे या 1 मंथ टाइम फ्रेम पे, ठीक है। उस टाइम फ्रेम वाले कैंडल के हिसाब से मतलब इस पे बाइंग या सेलिंग प्रेशर कितनी है उसका स्ट्रेंथ हमें ये दिखाता है, ठीक है। अच्छा, अब इस स्ट्रेंथ को हम दो ऐसे पॉइंट्स रखे हैं, ठीक है, जिसके हिसाब से हम कहते हैं कि ये कॉइन जो है ये ओवरबॉट है, मतलब हद से ज़्यादा इसको ख़रीदा गया है, और एक कॉइन को हद से ज़्यादा सोल्ड किया हुआ है, मतलब उसको हद से ज़्यादा बेचा गया है, ठीक है। तो जो ओवरसोल्ड RSI है वो 30 और 30 की बिलो हम काउंट करते हैं, ठीक है। मतलब जब RSI ड्रॉप होती जाती है 30 तक आती है और 30 से नीचे जाती है तो हम इसको ओवरसोल्ड कहते हैं, ठीक है। रेड कैंडल होगा इस टाइम पे और वो नीचे की तरफ आ रहा होगा, मार्केट जो है वो डिप में जा रही होगी और उस टाइम RSI जो है वो ड्रॉप होती जाएगी और 30 तक आ जाएगी, ठीक है, या 30 से नीचे भी जा सकती है इन मोस्ट ऑफ द केसेस जब मार्केट में बहुत बड़ा डिप नज़र आता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके उलट जो है वो है ओवरबॉट RSI, ठीक है। ओवरबॉट RSI जो है वो हम कहते हैं 70 और 70 के आगे, 70 से ऊपर, ठीक है, इसको हम ओवरबॉट RSI कहते हैं। मतलब जब एक कॉइन में बाइंग प्रेशर आता है, पंप आता है, तो RSI जो है वो इंक्रीज़ होती है 40, 50, 60, 70+, 80, 85+, अक्सर 100 तक भी चली जाती है, ठीक है। तो 70 और 70 से अबव को हम ओवरबॉट RSI कहते हैं, ठीक है। अब आपने इस RSI को यूज़ कैसे करना है और इससे फ़ायदा कैसे उठाना है, ठीक है, इस बात को समझिए, इस बात पे गौर करें। नेक्स्ट टाइम जब भी आप मतलब मार्केट में डिप आ रही हो या मार्केट में पंप आ रहा हो तो आप जो है RSI पे ख़ास नज़र रखें, ठीक है। RSI को देखें, इसको मॉनिटर करें कि ये किस तरह से ऊपर नीचे जा रहा है, ठीक है, और उस टाइम कैंडल्स कौन से बन रहे हैं, ग्रीन कैंडल बन रहा है, रेड कैंडल बन रहा है, ठीक है। उस हिसाब से फिर आप एंट्री ले सकते हो या अपने कॉइन को सोल्ड भी सेल भी कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मार्केट डिप में आ रहा है, ठीक है, और RSI जो है उस वक्त 16 पे आई है, 15 पे आई है, 20 पे आई है, ठीक है, या इवन 25 पे आई है 30 से बिलो, तो आप उस टाइम उसको बाय कर सकते हो, ठीक है। मतलब एक कॉइन है वो अपने प्राइस से जो है वो बहुत नीचे आ गई है, सेल लगी हुई है उस, ठीक है, सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है तो सेल लगी हुई है, और वो मतलब कॉइन जो है पहले $1 पे था, अब जो है वो 50 सेंट्स पे आ गई है, तो एक चीज़ आपको डिस्काउंट में मिलती है, तो अगर एक चीज़ मुझे या आपको डिस्काउंट में मिलती है तो उसको मैं बाय क्यों ना करूं, ठीक है। अच्छा, अब आपने कॉइन बाय किया यहाँ पे, ठीक है, RSI उस टाइम जो है 30 से नीचे या 30 के करीब थे, आपने बाय किया, RSI इंक्रीज़ हो रही है 40, 45, 50, 60, 70, आप उस टाइम सेल कर दो, ठीक है। अब एक चीज़ मैंने डिस्काउंट में ख़रीदी हुई है, हाफ प्राइस मिली हुई है और उस पर मुझे कोई प्रॉफिट दे रहा है तो मैं उसको सेल क्यों ना करूं, ठीक है। मुझे ऐसी कौन सी बला है जो मुझे रोकेगी कि मैं इसको सेल ना करूं, ठीक है। तो आपको सेल करना चाहिए, आपको प्रॉफिट मिल रहा है किसी कॉइन में इस तरह, या आपने जो बाई किया हुआ कॉइन उसको उससे आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो आप उसको सेल कर सकते हो, ठीक है, या आपकी मर्ज़ी, आप होल्ड करो या सेल करो, लेकिन अगर मैं होता आपकी जगह तो मैं सेल करूँगा, ठीक है, मुझे प्रॉफिट मिल रही है मैं सेल करूँगा, $1 हो, $2 हो, $3 हो, या $10 हो, या $100, प्रॉफिट तो प्रॉफिट होता है, ठीक है, मैं लॉस में तो नहीं होना, तो मैं सेल कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो आप अगर मतलब सेफ ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो 30 और 70 इन दोनों के बीच में करें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, लास्ट टाइम ऐसा भी होता है कि RSI तो देखो RSI गिर चुकी होती है, ठीक है, ऑलमोस्ट 15, 16, 17 आप बाय कर लेते हो लेकिन मार्केट फर्दर डिप में चला जाता है अगले घंटों में, ठीक है। तो बाय द डिप इस तरह करते करते जो है आपके पास जो एक्स्ट्रा फंड्स होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं, फिर क्या होता है हमारे बेचारे बंक जो भाई हैं वो फंस जाते हैं, फिर महीनों वो वेट करते हैं कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए, हमारे पॉइंट सेल हो जाए तो हमारे पैसे जो है वो निकल आए, और फिर इस हालत तक बैठ जाते हैं कि बस ये अपने पैसे ब्रेक इवन तक ही पहुँच जाए, ब्रेक इवन पे मैं सेल कर दूंगा, मेरे पैसे निकल जाए, मुझे
एक सेंट की भी प्रॉफिट ना हो उसको प्राइवेट को गोली मार दो, ठीक है। ऐसी हालत हमारी हो जाती है डिप्रेशन से, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने अपने पैसों से प्रॉफिट बनाने, ठीक है, ना कि अपने लिए टेंशन खरीदें, ना कि अपने लिए डिप्रेशन खरीदें, ठीक है। तो इस तरह के ट्रेड्स नहीं लें। आप अगर ट्रेड लेते हो तो बिटकॉइन के लेवल्स पे करो, ठीक है। बिटकॉइंस के लेवल देखो, बिटकॉइन के लेवल देखो कि वीकली लेवल कौन सा है, रेजिस्टेंस कौन सा है, उसका सपोर्ट कौन सा है, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप अपने अल्टकॉइंस के चार्ट्स बना दें, ठीक है, कि मैंने इस रेंज के अंदर ट्रेड करना है, ठीक है, मैंने इस रेंज के अंदर ट्रेड करना है और यहाँ से मैंने प्रॉफिट में निकलना है, ठीक है। ज़्यादा ओवर ग्रीड करेंगे तो आपको लॉस होगा, आपके पैसे फंसेंगे और जो स्टोरी मैंने सुनाई है वैसा ही होगा आपके साथ। तो इस तरह की सिचुएशन से बचें, ठीक है। डिप्रेशन नहीं खरीदें अपने पैसों से, अपने पैसों से प्रॉफिट बनाएं और उसे कोई अच्छे खाने पीने की चीज़ें खरीदें, पिज़्ज़ा खा लें, जूस पी लें, ठीक है, अपने बहन भाइयों को खिला दें या खैरात में दे दें, ठीक है। तो इस तरह के काम जो है नहीं करना है, आपने रिस्क को मैनेज करना है, ठीक है। और ऐसा इंडिकेटर है, इसको सही तरह से मॉनिटर करें, इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरा बड़ा रिस्क यहाँ पे क्या है, एक क्वाइन जो है वो पंप हो रही है, ठीक है, ग्रीन कैंडल बन रही है, उसकी बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं। उस टाइम RSI जो है वो 70 प्लस चल रही है, ठीक है। तो हमारे ये मासूम भाई जो होते हैं वो क्या करते हैं, उस टाइम क्वाइन एंट्री मार देते हैं, ठीक है। क्वाइन ऑलरेडी पंप होता है, ओवर बॉट होता है, और आप उसमें एंट्री मार लेते हो और वहाँ से कोई व्हेल आके उल्टा क्वाइन को उधर से गिरा देता है, ठीक है। तो आपके पैसे जो है उधर फंस जाते हैं। आप हाई मार्केट में ख़रीद लेते हो पंप क्वाइन और आपके पैसे उसमें फंस जाते हैं, क्वाइन जो है एकदम गिर जाती है, ठीक है। आप फिर उससे निकलोगे तो आपको लॉस होगा, ठीक है। तो अगर RSI जो है वो 70 प्लस 80 प्लस चल रही है, उस टाइम क्वाइन को बाय नहीं कर, ठीक है। अगेन बिटकॉइन के लेवल्स हैं, उसके हिसाब से अपने चार्ट्स बनाएं, ठीक है, और उसी के मतलब जो आपके साथ लो और हाई रेंज आ रहा है उसके दरमियान में आप ट्रेड करें, तो आपकी ट्रेड सेफ होगी, आप नुकसान से बचेंगे, आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, ठीक है। अगेन अपने पैसों से प्रॉफिट बनाना है, ठीक है, अपने पैसों से डिप्रेशन नहीं खरीदना है आपने, ठीक है। तो मेरे भाइयों, मैंने जो बातें की हैं इस चीज़ इन बातों पर अमल करें, इनको अपने दिमाग में फिक्स कर दें, अपना रिस्क जो है वो सही तरह से मैनेज करें, ठीक है। इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।